बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू के संबंधों में अब वह सहजता नहीं दिखती जो नीतीश सरकार के शुरुआती दिनों में थी। यही वजह है कि दोनों दलों में अक्सर खींचतान की बात भी सामने आती रही है। हालांकि दोनों दलों के बड़े नेता संबंधों को सहज बनाए रखने का हर जतन करते रहते हैं। हाल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के हिस्से ज्यादा कुर्सियां आई, लेकिन अब बिहार बीजेपी को जेडीयू के लिए बिहार विधान परिषद में त्याग करना पड़ा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है। बिहार विधानसभा निम्न सदन है, वहीं बिहार विधान परिषद उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद का गौरवशाली संसदीय इतिहास रहा है। अभी मौजूदा स्थिति में इसमें 75 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6-6 सदस्य चुने जाते हैं। स्थानीय प्राधिकार से 24 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। बिहार में एनडीए जब से सत्ता में आई, उसी समय से विधानसभा में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी आगे निकल गई। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन बिहार विधानमंडल के उच्च सदन में जेडीयू का दबदबा अभी भी मौजूद है। जेडीयू का संख्या बल सबसे अधिक है। राजभवन कोटे से 12 सदस्यों के मनोनयन के बाद 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में भी अभी स्थानीय निकाय कोटे की 4 सीटें रिक्त हैं, जिसकी वजह से सदन में अभी 71 सदस्य हैं। रिक्त जगहें स्थानीय प्राधिकार की हैं, जिसमें पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर और बांका शामिल है। अभी सदन में 71 सदस्य हैं, जिसमें जेडीयू के 29, बीजेपी के 27, आरजेडी के 6, कांग्रेस के 4, सीपीआई के 2 और वीआईपी हम निर्दलीय का 1-1 सदस्य है। इस प्रकार सदन में सत्ता पक्ष के 58 और विपक्ष के 12 सदस्य हैं, वहीं 1 सदस्य सर्वेश कुमार सिंह निर्दलीय हैं। राज्य के उच्च सदन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, भवन निर्माण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी, जल संसाधन और आईपीआरडी मंत्री संजय कुमार झा, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन आते हैं। आधी आबादी की राजनीति और सहभागिता सुनिश्चित करने का दावा यहां फिसड्डी है। राजभवन कोटे से 12 सदस्यों के मनोनयन के बाद सदन में महिला सदस्यों की संख्या 6 है। इनमें जेडीयू की 3, बीजेपी की 2 और आरजेडी की 1 सदस्य है। महिला सदस्यों में जेडीयू से रीना यादव, मनोरमा देवी और कुसुम वर्मा, बीजेपी से नूतन सिंह और निवेदिता सिंह के अलावा आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि बिहार के उच्च सदन में नीतीश कुमार का दबदबा अभी भी कायम है। नेशन न्यूज के लिए मनोज नारायण सिंह की रिपोर्ट।